जय श्री राम। तो ज्ञानशाला की दूसरी वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रतीक रुद्र शुक्ला। और एक बड़ा कॉमन सा श्लोक है, बड़े लंबे समय से आप लोग सुनते हुए आ रहे हैं उसको, थोड़ा सा भी मैं उसको आपको सुनाना चाहता हूँ। मतलब यूजुअली विद्यार्थियों के लिए ऐसा हमेशा से बोला जाता है कि काकचेष्टा वको ध्यानम, समझ रहे हैं, याद आ गया होगा आपको। मतलब घर वाले अक्सर ये श्लोक आपको सुनाते हैं और आपको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। मुझे हमेशा से पता है कि वो भी असफल रहे हैं और उसे समझने में भी आप असफल रहे हैं, क्योंकि ये जो श्लोक है, काक चेष्टा वको धनम श्वा निद्रा तथा वच अल्पहारी गृहस्थागी विद्यार्थी पंचलक्षणम, ये जो पाँच लक्षणों के विद्यार्थी का ये जो श्लोक है, ये जो पुराना एजुकेशन सिस्टम था, जो पुराना एरा था, वहाँ अच्छा था, वहाँ एप्लीकेबल था, लेकिन अभी के लिए वो नहीं है। मैं उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन रखता हूँ, वो भी मैं आपको सुनाऊँगा। जैसे उसकी लाइन ऐसे है कि उत्साह निश्चया धैर्य तत् तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत त्यागो शतो वृत्ते शतभिरमेति प्रसिद्धति। इसका मतलब ये जो भी मैंने पहले श्लोक बताया उसका मतलब, काक चेष्टा वको ध्यानम इस श्लोक का मतलब, और जो मैंने सेकंड में बताया उत्साह निश्चया धैर्य तत् तत्कर्म प्रवर्तनात्, इन दोनों की डिटेल में चर्चा करेंगे वीडियो के एंड में। तो अभी जो मैंने ये कहा कि अभी जो मैं फर्स्ट वाला जो श्लोक है वो हमारी लाइफ में अभी किसी भी तरह से एप्लीकेबल नहीं होता है, वो क्यों ऐसा होता है हम उसकी बात करते हैं। अभी देखिए क्या होता है ना कि एजुकेशन सिस्टम इंडिया का पूरा चेंज हो चुका है। जो हमारा पुराना एजुकेशन सिस्टम था, जो गुरुकुल सिस्टम था, वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिस्टम था हमारी पढ़ाई का लेकर के, अभी वो टोटली चेंज हो चुका है। तो सबसे पहले थोड़ी सी चर्चा करेंगे जो हमारा पुराना सिस्टम था पढ़ने का उसकी, और उसके बाद फिर नए सिस्टम की चर्चा करेंगे, दोनों में अंतर क्या है, एक मेन और सबसे बड़ी चीज़ का डिफरेंस आएगा उसकी बात भी हम करेंगे। तो दोनों की चर्चा करेंगे, क्लियर। आइए आगे देखते हैं। हम सबसे पहले देखना है हमें वो जो पुराना हमारा कल्चर था, जो पुराना हमारा पढ़ने का तरीका था, जो पढ़ाने का तरीका था, वो कैसा था। गुरुकुल सिस्टम आप सब अवगत होंगे, अगर आपने रामायण देखी है, महाभारत देखी है, तो वहाँ आपको ये बताया जा रहा होगा कि बच्चे छोटी उम्र में गुरु जी के पास चले जाते हैं। वहाँ गुरुकुल होता है, वहाँ एक गुरु माता होती है, गुरु जी बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे पढ़ते हैं। वहाँ क्या था कि बच्चे 25 साल तक वहाँ गुरु जी के अंतर्गत पढ़ते थे। सबसे बड़ी बात गुरुकुल सिस्टम की ये थी कि वहाँ सिलेबस बहुत ज़्यादा था। अब आप समझें कि उसी 25 साल के अंदर उनको क्या क्या सीखना होता था, 4 वेद, 18 पुराण, पूरे के पूरे उपनिषद, और भी एडिशनल ज्ञान दिया जाता था जैसे स्विमिंग करना, शिकार करना, ठीक है, युद्ध करना, ये ढेर सारी चीज़ें आपको उसी टाइम पे पढ़ाई जाती थी, उसी पर्टिकुलर टाइम पे। अभी CBSE क्या करती है, आप देखते हैं ना कि सिलेबस कट करने के चक्कर में पड़ी हुई है। भाई सिलेबस कट करने से कोई लोड और प्रेशर बढ़ने घटने का उतना सिस्टम नहीं है। सोचिए उसी 25 साल में उन्हें सब कुछ पढ़ा दिया जाता था और वो आसानी से पढ़ लेते थे। सबसे खास बात ये थी। और जो मुझे सबसे ज़्यादा खास बात लगती है, जो हमारा पुराना एजुकेशन सिस्टम था, जो गुरुकुल सिस्टम था, वो ये था कि वहाँ एक सबसे बड़ी बात ये होती थी ना कि 25 साल तक जब तक बच्चे वहाँ से पढ़ के बाहर नहीं निकल जाते थे, तब तक वहाँ पे काठ की भी स्त्री देखना अलाउ नहीं था। काठ की स्त्री का इन द सेंस, अगर हम आज की भाषा, बोलचाल की भाषा में कहें तो फोटो देखना, मतलब वहाँ मैंने कहा कि लकड़ी की मूर्ति तक देखना अलाउ नहीं था स्त्रियों का, गुरु माता को छोड़कर। यहाँ मतलब आज की भाषा में समझे तो फोटो भी देखना अलाउ नहीं होता है। लेकिन यहाँ मॉडर्न एरा में क्या चल रहा है आप जानते हैं, अभी उसकी चर्चा हम आगे जस्ट करने वाले हैं। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर था जो मैंने कहा कि जो इन दोनों में जो सबसे बड़ा डिफ्रेंशिएशन क्रिएट करता है वो यही कि डिस्ट्रैक्शन नहीं था। जो पीछे था वहाँ डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा नहीं था, बहुत ज़्यादा मतलब डिस्ट्रैक्शन था ही नहीं था। अच्छा, मैं थोड़ा साइंस का स्टूडेंट हूँ तो मैं एविडेंस के साथ चलता हूँ। अगर आप मेरे को कोई चीज़ बता रहे हैं तो मैं सबसे पहले आपसे यही बोलूँगा, भाई मेरे को एविडेंस दे। अगर तू एविडेंस देता है तो मैं मानता हूँ, वरना मैं नहीं मानता, क्लियर। तो वैसे मैं आपको कुछ समझाता हूँ तो मैं ये इंश्योर करके चलता हूँ कि मैं अगर आपको कुछ समझा रहा हूँ तो मैं आपको एविडेंस के साथ समझाऊंगा। मैंने ये कहा कि वहाँ इतने समय तक ऐसा रूल होता था कि आप लकड़ी की भी स्त्री नहीं देख सकते गुरु माता को छोड़ करके, इतना स्ट्रिक्ट रूल था। तो जाहिर सी बात है कि जो डिस्ट्रैक्शन था वो जीरो हो गया। और किस चीज़ को लेकर डिस्ट्रैक्शन करोगे, हमारे एरा में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का कारण तो यही है जो वहाँ ज़ीरो होता था। इसलिए बहुत बड़ा सिलेबस होने के बावजूद भी बच्चे पढ़ लेते थे। उसका एविडेंस ये है कि शादी बारात में आप देखते हैं बहुत ज़्यादा नाचा जाता है, गाना आता है वगैरह वगैरह, डीजे वगैरह बजते हैं, सब चलते हैं, आप लोग भी देखते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें।
एक बच्चा था अपने गुरु जी से पूछता है, कहता कि ये सब ढोंग आडंबर सब क्यों कर रहा है, सब शादी ब्याह में नाचने गाने की गाना बजाने की क्या जरूरत है, ये सब अश्लीलता करने की क्या दिक्कत है, ये सब क्यों करते हैं। गुरु जी बताते हैं बच्चे को कि पहले क्या था कि 25 साल तक लड़की स्त्री को देखते ही नहीं थे बच्चे, और 25 साल के बाद उनको शादी होनी है। जैसे ही वो वहाँ से आते थे घर बसाने के लिए, सबसे पहले अगर जो गृहस्थ आश्रम में जा रहा है वो शादी करता था, तो 25 साल के बाद उसको काम की ज़रूरत पड़ने वाली है, काम कार था आप समझ रहे हो, तो उसकी जो काम इच्छा है उसको जागृत करने के लिए ये गाना बजाना ये सब करते हैं, उसके अंदर की सेक्सुअलिटी को बाहर निकालने के लिए ये गाना बजाना वगैरह किया जाता है। और हिंदू धर्म में मतलब एक सबसे बड़ी बात है कि ये फॉलोअर बहुत अच्छे होते हैं, ज़बरदस्त फॉलो करते हैं, जो हो गया उसी को फॉलो करेंगे। मैं किसी प्रकार से गलत नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, सही है, लेकिन इनको ये नहीं सोचना है कि वो क्यों किया गया था, ये क्यों हो रहा है, इनसे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, बस वो हुआ था तो वही हमें भी करना है, ये नक्की करके चलते हैं। तो मतलब ये मैंने एविडेंस दिया कि किस तरह से वो रिसेसिव पॉइंट हो जाता है, समझ रहे हैं इस बात को, जो डिस्ट्रैक्शन था, जो मेन डिस्ट्रैक्शन है अभी हमारे लिए, वो तब के समय में वो रिसेसिव हो जाता था, उसको जागृत करने के लिए ये ढोल बाजे नगाड़े ये सब बजाने पड़ते थे। सोचिए, ये तो थी हमारी गुरुकुल सिस्टम की पढ़ाई, जहाँ सिलेबस बहुत बड़ा होने के बाद भी बच्चे कम समय में अच्छे से पढ़ लेते थे, एक ही कारण था कि वहाँ डिस्ट्रैक्शन नहीं था। चलिए अब मैं बात करता हूँ अपने मॉडर्न एरा की। मॉडर्न एरा ने डिस्ट्रैक्शन की माँ बहन एक करके रखी है। बात करते हैं कैसे, सोचिए जो पीछे आपने देखा आगे कितना एप्लीकेबल है। मैं एक छोटी सी बात बताऊँ आपको, हमारा एजुकेशन सिस्टम मेनली चेंज हुआ कब से, ये जब अंग्रेज़ आए, जब फॉरेनर्स यहाँ आए तब से एजुकेशन सिस्टम चेंज किया गया। ये मतलब बड़ा सिंपल सी फिलॉसफी है ये, कि अगर किसी कंट्री को गिराना है, आपको कोलैप्स करना है उसको, तो उसकी दो चीज़ें आप गिरा दीजिए। पहला, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम आप बदल दीजिए, बेकार कर दीजिए, वाहियात कर दीजिए, कंट्री अपने आप डूब जाएगी। दूसरा, उसका फाइनेंशियल सिस्टम आप बेकार कर दीजिए, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएगा, अपने आप डूब जाएगी। ये दो चीज़ें महत्वपूर्ण होती है किसी कंपनी को किसी कंट्री को गिराने के लिए, और ये इन्होंने बहुत अच्छे से समझा, फॉरेनर्स ये बहुत अच्छे से समझे, क्योंकि फॉरेनर्स, अच्छा एक बात सोचिए कि जब फॉरेनर यहाँ आए इंडिया, तब से ही इन्होंने नई नई थ्योरीज देना स्टार्ट कर दिए, नए नए लॉज देना स्टार्ट कर दिए। इसके पहले भाई मैं मानता हूँ कि ठीक है, उन्होंने सर्च करी, उन्होंने पूरा सेटअप किया, उन्होंने रिसर्च करी, फिर वो बताते हैं, लेकिन तर्क तो ये भी तो एक तर्क है ना कि फिर इसके पहले क्यों नहीं देते थे एडवांस, तो आप पहले से ही है, कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। तो उनको पता चल गया कि इनके जो वेद हैं, इनके जो पुराण हैं, इसमें बहुत ज्ञान का संग्रह है, अगर ये पढ़ते रहेंगे। मैं साइंस को किसी भी प्रकार से बुरा नहीं कहता, मैं तो सपोर्ट करता हूँ कि इंसान को साइंस एक्सेप्ट करना चाहिए और असली वास्तविकता को देखनी चाहिए, लेकिन एजुकेशन सिस्टम जो इन्होंने चेंज किया, इनको पता था कि ये जो इनका एजुकेशन सिस्टम है, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, इस बात को आप समझें, तो इसलिए इनको चेंज किया। फिर ये जो हमारा भैया है कॉन्वेंट स्कूल वाला सिस्टम, सब गुलाम बनाने का सिस्टम, मैं आई कम इन सर, कैन आई गो सर, ये सर वो सर, फलाना ढिमाका, दुनिया भर की चीज़, समझ रहे हैं इस बात को। मेन टॉपिक बात करते हैं कि अब ये जो हमारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा चेंज है, यहाँ डिस्ट्रक्शन कितना ज़्यादा है। यहाँ डिस्ट्रक्शन के लिए देखिए दो तरह की प्रजातियाँ हैं, एक कपल प्रजातियाँ हैं और एक सिंगल लौंडे। सिंगल लौंडे बेस्ट हैं। कपल की बात करता हूँ मैं वाराणसी में रहता हूँ, तो यहाँ हमारे यहाँ एक वो है पार्क है, उसका नाम है संत रविदास पार्क। एक दिन मैं और मेरे साथ दोस्त वहाँ घूमने गए, तो वहाँ जब मैं गया तो सबसे पहले मैंने वहाँ के गार्ड से बोला, मैंने कहा भाई अब अगली बार सरकार वरकार बदले तो बाबा जी को मेरा मैसेज दियो कि इसका नाम संत रविदास पार्क से बदल करके संत आसाराम बापू पार्क कर दें। सारे बच्चे हंसने लगे, मैंने कहा भाई हंसने की बात नहीं है, यूजुअली क्या होता है कि रोमांस जैसी चीज़ें हैं तो लोग प्राइवेटली करना पसंद करते हैं, लेकिन आजकल का यूथ है कि इतना डिस्ट्रैक्टेड है कि पूरा नर्क मचा के रखा है, पब्लिक प्लेस पे करेंगे। अभी पार्क घूमने टहलने की जगह है, लेकिन वहाँ आप जाएंगे तो अलग आतंक मचा हुआ है भाई साहब। मैं जब गया तो मैं कहा कि सही है भाई, मेरे जेब में 500 रुपये पड़े थे, मैंने तो ये तक सोच लिया कि भाई मेरे से 500 लेके चला जा, रूम वूम बुक कर ले, ठीक है, एक तो वैसे ही हो जो घाटे में जा रही है, कुछ मदद कर उनकी। मैं क्या बोलूँ, अब समझिए ये डिस्ट्रक्शन का आलम है। ये कपल थे, अच्छा ये तो ये इन्होंने मंदिर तक को नहीं छोड़ा,
हमारे यहाँ पास में मंदिर भी है, हम देखते हैं मंदिर में भी कपल बैठे हुए हैं। तो मैंने तो एक लोग से पूछ बैठा, मैंने कहा भाई यहाँ क्या कर रहा है, मतलब कम से कम पार्क ही ठीक था तेरे लिए, ठीक है नहीं प्राइवेटली जाना तो कम से कम पार्क में कर, भगवान के सामने सब क्यों भ्रष्टाचार मचा रहे हैं। कह रहा मैं अपने प्यार को भगवान का साक्षी बना रहा हूँ। मैंने कहा प्यार व्यार पता नहीं लेकिन साक्षी को बना ले रहा है तो मतलब ये सिस्टम है, मतलब डिस्ट्रक्शन का लेवल ये है। ये पूरी कहानी बताने का मतलब एक ही था कि डिस्ट्रक्शन का लेवल ये है अभी यूथ में। अब सिंगल लॉन्डो का डिस्ट्रक्शन देख लीजिएगा इनके लिए, मतलब कि मैं अभी इंस्टीट्यूट में हूँ तो ढेर सारे हमारे भी दोस्त हैं और भी हम लोग, मतलब मेरी सबसे बड़ी आदत है कि मैं ऑब्जर्वेशन बहुत ज़बरदस्त कर लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ तो मैं समझ जाता हूँ कि हाँ चीज़ें किस तरह से कैसे रन कर रही हैं। तो लड़के छुट्टी हो गई क्लास में, अभी क्लास की बात करिए, क्लास में बच्चा बैठा है ना, टीचर सामने पढ़ा रहा। अभी जब बच्चा है तो ऐसे टीचर को बैठना चाहिए, मान लीजिए इधर लड़के बैठे हैं इधर लड़कियाँ बैठी हैं, तो टीचर ऐसे पढ़ा रहा है लड़का ऐसे बैठा हुआ, टीचर से उसका कोई कनेक्शन नहीं है, इधर लड़कियाँ बैठी हुई हैं ना, ये डिस्ट्रैक्शन का आलम। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी है ये। क्लास की बात छोड़िए, नीचे उतर आइए। अभी जब आप आ जाते हैं, छुट्टी हुई ना, गेट पे आके खड़ा होकर वेट कर रहा है। अच्छा यही नहीं है कि भाई तुम्हारी क्रश है, मैं अपनी क्रश को देखने के लिए खड़ा हूँ, इनसे क्रश से कोई मतलब नहीं है, लड़की दिखनी चाहिए बस। और ऐसे गहन उस पर अध्ययन करेंगे भाई, ये वाली ऐसी है, ये वाली ऐसी है, और हाँ उसकी इयरिंग्स अच्छी लग रही थी, उसका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा था, बड़ी गहन अध्ययन चलेगी इसके ऊपर इनके। मैं सोचता हूँ भाई कि मतलब फिजिकल होते हैं तो फिर भी लगता है कि हाँ सेंसेशन का ट्रांसफ़र हो रहा है, इतना देख के कौन सा सेटिस्फेक्शन ले लेता है, ये सब देखने में कौन सा मज़ा आ जाता है इनको, खड़े होके घंटों खड़े हैं ट्यूशन के बाद, घंटों खड़े होके देख रहे हैं, हाँ ठीक है अच्छा लग रहा है। फिर मैं कहा कि ये जो काकचष्टा वगो ध्यानम स्वान निद्रा तथा चल पहाड़ी गृहस्थागे विद्यार्थी पंचलक्षणम, इसमें से कौनों इनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, किसी काम का नहीं है वो, और सच बता रहा हूँ आप समझे। वो कहते हैं कि काकचष्टा, चेष्टा उनको पढ़ाई से ज़्यादा तो लड़कियों में है, मैं बता रहा हूँ एक सेकंड में 10 लड़की गुजर जाए तो ये नहीं कहेंगे कि आठवीं वाली से मेरे को प्यार नहीं था, आठवीं वाली से भी उनको प्यार था, नौवीं दसवीं सबसे प्यार उनको, इस तरह की चेष्टा है, पढ़ाई को छोड़कर हर चीज़ में चेष्टा है। ध्यान ध्यान ऐसा है कि बैठ के बस सोचे जा रहे हैं। अल्प आहारी की बात मत करिए। मैं आज मूड में हूँ भाई, देखो मेरी वीडियो की स्क्रिप्ट नहीं होती है, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने आज तक कभी, एक्चुअली हम लोग पढ़ाते हैं ना तो पढ़ाने में क्या आता है कि स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते, आपको पता है सिलेबस ये मुझे ये पढ़ाना है कैसे डिलीवर करना है आई नो, तो स्क्रिप्ट नहीं लिखी जाती। तो वैसे भी जब अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कोई स्क्रिप्ट नहीं है, बस दिमाग में आया कि ये एक टॉपिक है इस पर मुझे बोलना है, तो फिर बस माइक उठाया और करना स्टार्ट हो गया, कोई स्क्रिप्ट की कोई चिंता ही नहीं है, लिखता ही नहीं हूँ मैं। तो यहाँ टॉपिक थोड़ा स्विंग होता है, ऊपर नीचे जाता है, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि लिखते हैं कि श्वान निद्रा, पहले के जो कुत्ते हुआ करते थे वो ऐसे पैरों की आहट चलती थी तो जाग जाते थे, इतने सेंसिटिव होने चाहिए, तो वो स्टूडेंट से कंपेयर करते हैं कि स्टूडेंट को इतना सेंसिटिव होना चाहिए। भाई साहब स्टूडेंट की बात छोड़िए, आजकल के जो कुत्ते हैं ना वो रेट पे रेटे हैं, सो रहे हैं, दारू पी के सो रहे हैं, उनको नहीं फर्क है, गाड़ी जा रही है हॉर्न बजा रहे, कुत्ते कह रहे हैं शांत रह, जितना तेरा देश उतना मेरा देश, हम ना उठ रहे हैं यहाँ से, सोए हैं आज की दुनिया में कुत्तों का ये आलम है। भाई स्टूडेंट्स की बात छोड़ दीजिए, स्टूडेंट के अंदर इतना सेंसेशन आप कहाँ से लाइएगा, गजब का सिनेरियो है। और इसको आप स्टूडेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे, इसमें से कुछ एप्लीकेबल नहीं है। गृहस्थ त्यागो आखिरी है ना, गृहस्थ त्यागो विद्यार्थी पंचलक्षणम, जितने कांड बच्चों के शुरू होते हैं ना वो गृह त्यागने के बाद ही होते, पहले था कि गृह त्याग देंगे मोह माया छूट जाएगा घर वालों से तो अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ पाएंगे, अब गृह छोड़ने के बाद ही तो पूरा कांड ही शुरू होता है। मैं सच बता रहा हूँ, आप भी अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आप भी ऑब्जर्व करेंगे, मैं भी घर से बाहर रहता हूँ तो मैं तो ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और ये जो गृह त्यागो वाला सिस्टम है थोड़ा बुरा लगेगा, मैं एक चीज़ पहले से आप बता दूँ कि मैं लड़कियों की बड़ी इज्जत करता हूँ, दिल से भी बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि वो लड़कों से हज़ारों गुना अच्छी हैं, होती हैं, मैं बिल्कुल दूध का धुला नहीं कह रहा हूँ, समझ रहे हैं ना, इंसान वो भी हैं, लेकिन हाँ एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ लड़कियाँ अच्छी होती हैं, भरोसेमंद होती हैं, सबको नहीं कह रहा हूँ सबको नहीं कह रहा हूँ मैं, कुछ एक्सेप्शंस केस मिल जाएंगे आपको। तो ये जो गृह त्यागो वाला सिस्टम है ये लड़कों का तो फिर भी ठीक है, लड़कियों के लिए बहुत वाहियात है, क्योंकि लड़कियों का क्या होता है ना, एक सरकमफ्रेंस होता है,
जब तक वो सर्कमफ्रेंस के अंदर हैं तब तक उनको दुनिया से मतलब नहीं है, जब उससे बाहर निकल गई ना तो फिर उनको घर से मतलब नहीं है, पूरी दुनिया से मतलब। ये थोड़ा कड़वा सच है, सबके लिए नहीं है, लेकिन रियलिटी है। हम लोग बाहर हैं, देख रहे हैं। अब ऑब्जर्वेशन एक प्रकार से एविडेंस ही तो है, जीता जाए तो गवाह हूँ मैं बोल रहा हूँ, तो बात तो माननी पड़ेगी। गृह त्याग वाला सिस्टम भी आपने बता दिया, तो कुल मिला के ये एप्लीकेबल नहीं था। ये जो आपको शुरू से सुनाया जा रहा है ये किसी भी प्रकार से कुछ एप्लीकेबल था नहीं, है नहीं, था लेकिन है नहीं। तो अभी का क्या सीन है, अभी मैं आपको एक नया श्लोक देता हूँ। जब घर वाले आपको पुराना वाला सुनाया तो आप उनको नया वाला सुनाइए। उत्साह निश्चया धैर्य तत्त्कर्म प्रवर्तनात् संगत त्यागो शतो व्रते सद्भिर्मेति प्रसिद्धति। इसमें कहते हैं कि जीवन में उत्साह होना चाहिए, जो करना है उसके लिए एनर्जेटिक बॉडी फील करे। सुबह उठने के बाद अंगड़ाई लें ऐसा गिर जाए बेड पे, फिर से वापस फिर आधे घंटे के लिए सो जाएं, ऐसा नहीं, बॉडी बिल्कुल एनर्जेटिक रहे। आप देखिए, हम लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि जो इंसान छोटे छोटे फुट स्टेप लेता है और जल्दी जल्दी लेता है वो हाई एनर्जेटिक्स है, जो बड़े बड़े फुट स्टेप ले रहा है लेकिन धीरे धीरे चल रहा है वो लो एनर्जेटिक है, वो लेजी है। इस बात को समझें आप। तो एनर्जी आपके अंदर कितना है ये आपके काम करने के तरीके को भी बदल देता है। तो एनर्जी बॉडी में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। निश्चय डिटर्मिनेशन, मेरे को यही करना है, मतलब यही करना है, इसके बाद किसी चीज़ से समझौता नहीं, किसी चीज़ से कोई समझौता नहीं, मेरे को यही करना है, डिटर्मिनेशन होना चाहिए। आजकल तो डिटर्मिनेशन के तो लगे पड़े हैं, मैं बता रहा हूँ। अभी सोच रहा था डॉक्टर बनेंगे, तब तक देख लिया UPSC का वीडियो, ट्वेल्थ फेल देख लिया, कुछ नहीं छोड़ो, सर्च करो, उठो श्रद्धा, अभी अपना UPSC निकालना है, चलो उसके बाद छोड़ो, नहीं अब मज़ा नहीं आ रहा, अब हम पॉलिटिक्स में जाएंगे, नेता बनेंगे हम, तो मतलब मूड स्विंग होता रहता है। कुल मिला के मैं ये कह रहा हूँ कि डिटर्मिनेशन का जो आलम है डिस्ट्रैक्शन की वजह से वो इतना खत्म, मतलब वाहियात हो चुका है कि लोगों का मूड स्विंग इतना जल्दी जल्दी हो रहा है। उसका कारण ये है ना कि उस कैरेक्टर में वो अपने आप को इमेजिन करने लगते हैं, ये सबसे बड़ा कारण है मूड स्विंग होने का, सबसे बड़ा कारण है। इसके चक्कर में वो ये भूल जाते हैं कि एक्चुअली वो किस चीज़ के लिए बने हैं। तो डिटर्मिनेशन, जो चीज़ आपको लगे कि ये मैं कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ के लिए बना हूँ, ये मेरे अंदर टैलेंट है, उस पर काम करें। डिटर्मिनेट रहिए कि मुझे यही करना है। लाइफ में कुछ स्टेजेस ऐसी आती हैं जहाँ पे आपको सफलता नहीं मिलती, डिले टाइम देखना पड़ता है, लैग होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट रहें। और उसका नेक्स्ट स्टेप यही है कि धैर्य होना चाहिए, उत्साह निश्चय धैर्य, तीसरा चीज़ है धैर्य होना चाहिए। पेशेंस नहीं है तो मज़ा नहीं आएगा, हर चीज़ में पेशेंस आपको चाहिए। जितना अच्छा पेशेंस उतना अच्छा फल। पेशेंस के बारे में मैं और कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना जान लीजिए कि पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ आवर लाइफ। जितना ज़्यादा पेशेंस उतना मज़ा आएगा आपको जीने में। क्लियर? जवाब ज़रूर देना है। जैसे आपको किसी ने इंसल्ट किया, आपको किसी ने धोखा दिया, कुछ भी किया है आपके साथ, तो रिवेंज तो लेना है, लेकिन ऑन दैट स्पॉट क्या सही है वो आपको देखने के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि जब माइंड या पेशेंस की अवस्था में रहता है तो बहुत अच्छा सोच पाता है, ये फैक्टर है। क्लियर? आइए, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्, काम वही करिए जो आपने अभी तो डिटरमाइन किया था, जो आपने निश्चय किया था कि मेरे को यही करना है, उससे रिलेटेड काम करिए। ऐसे कोई काम मत करिए। अच्छा, काम को लेकर के मैं आपको एक नया फॉर्मूला देता हूँ। मैं एक सीरीज़ बनाता हूँ रुद्राज रूल का, तो उसमें 8वां नंबर रूल है वाई। हर काम करने के लिए आप इसी रूल को अप्लाई करते हैं, वाई मैं ये क्यों कर रहा हूँ, और उसका जवाब आपको ऑन इंस्टेंट मिले। अब आप कंपेयर करें कि ये जो जवाब मिला है ये हमारे गोल से कितना रिलेटेड है, तो फिर आप मतलब उसके थ्रू जा सकते हैं कि मतलब वो काम आपको करना है। और अगर ये लगे कि वो काम आपके गोल से रिलेटेड नहीं है, उसको वहीं छोड़ दे, लेफ्ट आउट है। ओके, तत्कर्म प्रवर्तन आप संगत त्यागो शतोव्रते, अपने तरह के लोगों के साथ रहिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए। अगर आप अच्छे हैं तो अच्छे के साथ रहिए, बुरे हैं तो बुरे के साथ रहिए। मैं ये कभी नहीं कहता कि आप अपने इनिशियल कैरेक्टर को चेंज कर दें। भगवान ने आपके अंदर वो कैरेक्टर डाला है, इसका मतलब भगवान ये जानते हैं कि आप वो चीज़ अच्छे से कर सकते हैं। आप बुरे हैं तो अपने आप को बुरा स्वीकार करके बुरा ही रहिए, कोई ज़रूरत नहीं अच्छा बनने की, क्योंकि भगवान ने आपको जो बनाया है बहुत सोच समझ के बनाया है। और ये मत सोचिए कि अच्छे लोगों के साथ संगति कर लेंगे, भाई मैं तेरे पैर पड़ रहा हूँ, तू शराबी है तो शराबी रह, अच्छे लोगों के साथ बनके उसकी ज़िंदगी मत बेकार कर दे, तू अपने टाइप के लोगों के साथ रहे, सक्सेस आपको वहाँ भी मिल जाएगी। मैं बोल रहा हूँ, लिखित बोल रहा हूँ मैं, कि जिस तरह का तू है तू उस तरह के लोगों के साथ रहे,
फालतू में पंगा मत करके मेरे को अच्छे लोग। अच्छा होता है बच्चे बच्चे जब नए नए आते हैं ना तो क्लास का टॉपर कौन है, चलो उसके साथ बैठ जाते हैं, पता चला 10 दिन बाद टॉपर भी है, बैक बेंचर हो गया। बैक बता तो रहा हूँ, अभी नाली में एक नाली जा रही है, उसमें एक बूंद गंगा जल डाल दीजिए, नाली को शुद्ध मानिएगा नहीं मानिएगा, और एक कैनस्टर भर के आप गंगा जल रखे हुए हैं 15 लीटर का, उसमें एक बूंद पानी नाली का डाल दीजिए, देखिए पूरा जल खराब हो गया। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अच्छे लोगों के साथ मत रहिए, जिस तरह के आप हैं वैसे लोगों के साथ रहिए, बात खत्म, अपने सर्कल में रहिए। संगत त्यागो शतोव्रते सद्भिर में यदि प्रसिद्धति, ये 6 चीज़ें करिए आपको प्रसिद्धति सिद्धि मिल जाएगी, मतलब सक्सेस हो जाएंगे। ये जो फॉर्मूला है इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, मतलब डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम कैसे करते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए थैंक यू वेरी मच, दिस इज़ माई टाइम, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ओके थैंक यू।